केशोद शहर में मोबाइल ना व्यवसाय साथे संकळायेला तमाम व्यापारियों नु केशोद मोबाइल व्यापारी एसोसिएशन द्वारा दर वर्षे गुजरात माध्यमिक अने उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड नी परीक्षा में उत्तीर्ण थनार त्रण त्रण विद्यार्थियों अने एमना वालों ने सन्मान पत्र अने प्रोत्साहित इनाम आपवामां आवशे। आ वर्षे पण शैक्षणिक सत्र शुरू थता ज केशोद नांबावाड़ी विस्तार में आवेल लुहाणा विद्यार्थी भुवन खाते सन्मान समारोह योजाय हतो। केशोदना केवल मोबाइल ना मालिक विकेन भाई शेंती भाई राकोलियानु टूंकी बीमारी ने कारण दुखद अवसान थता सदगतना आत्मा ने शांति आपे एवी ईश्वर ने प्रार्थना करी बे मिनिट नो मौन पाड़ी श्रद्धांजलि आपवामां आवी हती। केशोदना चेम्बर ऑफ कॉमर्स ना प्रमुख डाहियालाल बेकरिया सहित ट्रस्टीओ हद्देदारोनी उपस्थिति में योजायेल सन्मान समारोह में मंचस्थ महानुभव नु पुष्पगुच्छ आपीने स्वागत करवामां आव्युं हतुं। प्रासंगिक उद्बोधन बाद केशोद मोबाइल व्यापारी एसोसिएशन द्वारा केशोद केन्द्र में धोरण 10 अने धोरण 12 विज्ञान प्रवाह धोरण 12 सामान्य प्रवाह प्रथम 3 उत्तीर्ण विद्यार्थियों ने मंचस्थ महानुभवना हस्ते सन्मानित करवामां आव्या हता। केशोद शहर में आवेली तमाम मोबाइल व्यवसाय साथे संकळायेल व्यापारीओ तेजस्वी विद्यार्थियों परिवार सहित आमंत्रित मेहमानों बड़ी संख्या में उपस्थित रह्या हता। केशोद मोबाइल एसोसिएशन प्रमुख राजूभाई बोदर द्वारा आभार विधि करवामां आवी हती। आ समग्र कार्यक्रम नुं संचालन उद्घोषक लश्करी बापूए कर्युं हतुं। केशोद मोबाइल व्यापारी एसोसिएशन द्वारा आयोजित विद्यार्थी सन्मान समारोह ने सफल बनावा सौ होद्देदारोए भारे जहेमत उठावी हती। मारु नाम राजूभाई बोदर, केशोद मोबाइल व्यापारी एसोसिएशन प्रमुख। दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण विद्यार्थी सन्मान समारंभ आयोजन करेल होय, जेमां केशोद केन्द्रमां आवेल दस धोरण 12 सायन्स 12 कॉमर्स एटले टोटल 9 विद्यार्थीनुं सन्मान राखेल, साथे अमारा व्यापारी मित्रोमांथी पण एक व्यापारीना दीकरा सीए थया होय तथा 12મું ધોરણ અને 10મા ધોરણમાં સારા ટકા આવ્યા હોય તેવા લોકોનું પણ સન્માન કરેલું। કાર્યક્રમની શરૂઆત અમારા વેપારી જે એક એવા કેવલ મોબાઈલ દ્વારા વિકેનભાઈનું જે અવસાન થયેલું હતું તેને માટે 2 મિનિટ મૌન રાખી અને આ કાર્યક્રમનું સ્મૃતિ કરેલ છે। અને આ કાર્યક્રમમાં પધારેલ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ ગયાભાઈ, ટ્રસ્ટી શ્રી અરવિંદભાઈ, કોર્પોરેટર વિવેકભાઈ, દેવલભાઈ મંડલિયા તથા દરેક પત્રકાર મિત્રો અને ખાસ મારા વેપારી ભાઈઓનો આદરથી હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। જય હિંદ, જય ભારત। રાવલિયા મધુનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, કેશોદ।